वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज का बयान मोटिवेशनल बयान है जो लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफा अला इबादिल्लज़ी अस्तफा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी की नफरत दिल में पाली है तो उसे निकाल दो, सबको गले से लगाना सीखो। मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है, एक दिन आएगा मेरा अल्लाह फरमाएगा जिसने भी दुनिया में मेरा एक दफा भी नाम लिया था उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उलमा से कहता हूँ कि अगर वो मेरी सुन रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते उम्मत को दीन समझाओ फिरके ना समझाओ, उम्मत को दीन समझाओ फिरके ना समझाओ। खुदा रे इस मेंबर को मोहब्बत के लिए बाकी रखो, इस मेंबर से आग ना भड़काओ। नफरतों की मैं लोगों से कहता हूँ बचो ऐसी बातों से, बचो ऐसी बातों से जिससे फरका वालियत से आग लगे। बचो ऐसी बातों से, ऐसी तकरीरों से जिससे दूसरे इंसान के लिए नफरत लेकर उठो। अरे पता नहीं मेरे को कौन सी किसकी बात समझ आ जाए और इसकी बख्शिश के फैसले हो जाएं। तुम अल्लाह की रहमत को क्यों पाबंद करते हो? वो तो कुत्तों पर रहम खाने वालों को माफ करने के लिए तैयार है। अपनी जात से बनना शुरू कर दो, दूसरों की जात को कहना छोड़ दो। तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने दीवाने बन जाओ, इतने दीवाने बन जाओ कि किसी की तरफ नजर ना उठ सके। वाखुदा वाना अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन।